Over the last few weeks which we have witnessed the grief and rage of people across the country on the shame rj medical college case from kashmir to kanyakumari and rajko to siltier people from all walks of life have taken to the streets to demand the justice for the victim of the spine chilling kolkata rape and murder case with the 31 year old trainee doctor but amid all the furor several others have also made headline whether the sexual assault of two nursery students in Badlapur, the gang rape of a 14 year old girl in Nagao, and the rape and the murder of a nurse in Uttarakhand. Amid the outrage, we take a moment to examine how to make sure that such disasterly crimes can be prevented. News6 has proposed a six point plan in this regard. Our proposal has been endorsed and lauded by several eminent people, including the West Bengal Governor C.V. the Bose and IMA President R.V. Ashokan, Advocate Seema Kushawa, Nirbhya's lawyer, and Valerian Santos, the father of Kanin Santos. Meanwhile, my colleague has had an exclusive conversation with the RML RDA President Gautam Kumar, who has supported our campaign. Let's now take a look. Over two weeks have passed on the horrific crime and the brutal rape and murder of the 31-year-old trainee doctor in Kolkata, but no lesson seems to have learnt. In the light of this, NewsX has been swiftly pushing on the narrative of making the initiative of concentrating on the study and the psyche of the sexual predators who. Actually, create such an atmosphere to do such crimes against women. In this light, Newsix has been also approaching all these medics in the fraternity and senior doctors. Who have come forward and expressed their support in the light of such an initiative? Joining me on the broadcast is also uh, one of my uh, uh, recent doc re uh, resident doctors, Association of the RML, Senior Doctor Dr. Gautam Kumar. Thank you for speaking to us. सर जिस तरीके से एक कैंपेन चल रहा है न्यूज़ेक्स ने चलाया है कि जो डॉक्टर्स की सेफ्टी है उसको लेकर अगर जो बिहे जिस बिहेवियर चेंजेस की वजह से सेक्शुअल प्रेडिटर्स हैं ये क्राइम करते हैं इसके लिए एक स्टडी आनी चाहिए जिसमें ब्रेन मैपिंग भी हो और इस पूरे कैंपेन को प्रपोज़ किया है इस बारे में आपका क्या कहना है देखिए ऐसा तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे पहले भी घटनाएं होती रही है और आगे भी ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट कई सारे स्टडी करते हैं ऑलरेडी पहले भी किए हैं हमारे यहाँ भी आर में भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने इसमें कोविड के समय में या अभी भी कई सारे स्टडी जो हमारे हुमैन बिहेवियरल चेंजेज़ होता है क्योंकि ऐसी घटनाएँ जो मेनली होते हैं वो बिहेवियरल चेंजेज़ के कारण होता है और ये चीज़ें कम हो आगे कम हो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं उसके बिहेवियरल चेंजेज लाने होंगे उस बिहेवियरल चेंजेज लाने के लिए हमें कई सारे

तो ये कहने का मतलब है कि अगर जब तक हम फास्ट ट्रैक पे इसे नहीं चलाएंगे तब तक आगामी हम नहीं रोक सकते हैं और दूसरा रहा है कि हमें आगामी लोगों को इसके लिए मेंटल रूप से थोड़ा मजबूत करना पड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं एक सोशल स्टडी कर कर के कई सारे लोग करते भी हैं और अभी भी कई सारे सेकेट लोग ऑलरेडी समाज में गूगल फॉर्मेट में चल रहा है स्टडी इस पर कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है और कैसे वो इस तरह के घटना देने के लिए उतना मन को कैसे मजबूत बना लेते हैं और कैसे इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं तो यह दो चीज सबसे जरूरी है कि एक तो बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए लोगों को अवेयर करना है हमें और दूसरा अगर किसी कारण से वो कर लेते हैं तो उनको फास्ट ट्रैक में उन पर एक्शन लिया जाए ताकि आगे आने वाले जो जनरेशन है वो इस बात को याद रखें जैसे इंसिडेंट्स अभी होते हैं और देखा जाए इन इंसिडेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं कंट्री वाइड एक शेम भी होती है और क्या आपको लगता है कि जैसे ब्रेन मैपिंग जैसी एक्टिविटीज इन ब्रेन मैपिंग जैसी स्ट्रेटजी से uh, जो बिहेवियरल uh, स्टडीज़ को uh, वो करना है उसको कंसंट्रेट उसको ऑब्जर्व करना है वो हो पाएगा वो हेल्प करेगा देखिए जहाँ सुविधाएं कम होते हैं पॉपुलेशन कम होता है वहाँ थोड़ा ही चीज़ें आसान होते हैं पर हमारे देश में ब्रेन मैपिंग सभी का करना और उस चीज़ को एक पटल पे लाना ये बहुत ही थोड़ा सा आसान चीज़ नहीं है टफ काम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरी बात है पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो इस चीज़ को हमारे कंट्री को भी अपना ध्यान में रखते हुए तो हम बिहेवियरल चेंजेज पर ज़्यादा फोकस करेंगे ब्रेन मैपिंग भी जरूर लाभकारी होगा हमारे लिए तो उसके लिए भी स्टडी कई सारे चल रहे हैं पर ये स्टडी हम सब लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं ये घटनाएँ है, ऐसा आज हमारे सामने एक डॉक्टर का फैस आया पर ये आए दिनों हमारे समाज में कई सारे जगह पे और रेडी होते भी हैं तो सभी काम ब्रेन मैपिंग कर कर के और उस कैसे उसको अंजाम दे पाएंगे ये थोड़ा सा टफ है हमारे सीनियर में तो इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा तो अभी तो हमें बिहेवियरल चेंजेस पर ही करना चाहिए पर इनफैक्ट अगर ब्रेन मैपिंग हम करते हैं तो उसका ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा और ये जो केस हुआ है इसके लाइट में भी अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी मीटिंग आज बैठक की थी आ, स्टेट चीफ सेक्रेटरी से डीजीपी से ताकि जो नेशनल टास्क फोर्स है उसको बताया जाए कि डॉक्टर्स की इमीडिएट सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल्स लेके कंस्ट्रक्ट की जाए क्योंकि ये जो आर जे कर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट हुआ है इसके बाद ये सारी बातों की अब ज़रूरत लग रही है तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी नेशनल टास्क फोर्स को आ, ये स्टेप्स लेने के लिए आ, वो किया है कि उन्होंने प्रमोट किया है बिल्कुल हेल्थ केयर प्रोफेशनल का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग का शुरू से डिमांड भी रहा है जो सेंट्रल एक प्रोटेक्शन एक्ट की भी हम लोग मांग रखे थे और आजकल मांग नहीं है बहुत पुरानी मांग है हमारी पर अभी जो सिनेरियो हुआ है इसमें ये मांग बढ़ी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से संज्ञान लिया और जिस तरह से मिनिस्ट्री को एक गाइडलाइन दी गई कि इसको सभी जगह पर सुनिश्चित किया जाए तो उसके लिए जो होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि सभी जगह कमेटी बनाई है और कई सारे जगह पर तो ऑलरेडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पर कमेटी बनाए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जितने हो सकते हैं सीसीटीवी फुटेज सिक्योरिटी प्लेसमेंट जितने हो सकते हैं कहां पे वन वे हो सकता है कौन सा गेट क्लोज हो सकता है कौन सा गेट ओपन रह सकता है नाइट में तो नाइट के हिसाब से कितनी जगह सिक्योरिटी हो सकते हैं इमरजेंसी में क्या क्या सुविधाएं हो सकते हैं इमरजेंसी में और कितने हमारे सिक्योरिटी पर्सन एक बिल इक्विपमेंट मैनर में आ सकते हैं तो ऐसे कई जगह पे मीटिंग लगातार चलती जा रही है और जिस तरह से कल होम मिनिस्ट्री ने भी संज्ञान लेकर करके उसको हेल्थ मिनिस्ट्री को गाइडलाइन दिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट सेक्रेटरी को गाइडलाइन दिया है तो एक बहुत अच्छा है और आगे आने वाले हमको लगता है महीने दो महीने में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा Thank you for speaking to us. Uh, well, that was the RDA President of the RML Hospital, Gautam Kumar. While as far as the issues for the security of women and especially at the workforce, but in particularly the doctors in concern, the Union Home Ministry has ramped up the sp steps and also initiated the National Task Force to constitute uh, these steps to monitor the safety and security of the doctors and especially healthcare workers at the workplace. And of course, the NewsX has also proposed this campaign, initiating more light and study to be done on the minds of the sexual predators. All right. So, viewers, that was all the news of the nation and the worldwide. We'll continue to track all the developments very closely. Please stay with us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel. Hit the bell icon.